और मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। बिहार में पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है और पेट्रोल और डीजल के दाम शतक पार कर चुके हैं। जी हाँ, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और पेट्रोल और डीजल के दाम में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पेट्रोल के दाम 115 के पार हो चुकी हैं, वहीं डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। 100 रुपये डीजल के दाम भी हो चुके हैं। तो आइए आम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कितना असर पड़ रहा है, कितना असर पड़ रहा है 115 रुपये पेट्रोल और 100 रुपये डीजल। काफ़ी असर पड़ रहा है। क्या लगता है इतना महंगा, कभी सोचे थे कि इतना महंगा हो जाएगा? सोचे तो नहीं थे, लेकिन महंगा भाई बहुत हो गया। अभी हम लोग चलाना भी गाड़ी कम कर दिए हैं, हिसाब से चलाते हैं। आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। 115 रुपये पेट्रोल हो गया है, क्या लग रहा है, कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है, काफी असर। कभी कभी सोचे थे इतना महंगा हो जाएगा पेट्रोल? सोचा तो नहीं था, बट अब हो गया तो क्या कर सकते हैं। क्या करना है, मतलब अब इलेक्ट्रिक गाड़ी भी आ रही है तो क्या उस पर ज़्यादा प्रेफर करेंगे? अब इलेक्ट्रिक ही प्रेफर करेंगे, अब क्या करेंगे? अब इतना महंगा हो जाएगा पेट्रोल जिस हिसाब से बढ़ रहा है, अब इलेक्ट्रिक ही प्रेफर करना पड़ेगा। अगर डेली कम्यूट स्टेशन है हम लोग का, तो डेली हम लोग को इलेक्ट्रिक प्रेफर करना पड़ेगा। जॉब करते हैं जी। तो आइए और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी महंगे पेट्रोल कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, और जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों पर काफ़ी असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी डगमगाती हुई नज़र आ रही है, ऐसा लोगों का भी कहना है, क्योंकि आम लोग इतने महंगाई को नहीं झेल पा रहे हैं। हर चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है, पेट्रोल डीजल की बात कर लें या फिर गैस सिलेंडर की बात कर लें, हर चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है। देखिए 115.51 रुपये पेट्रोल के दाम हो चुके हैं और 100.28 रुपये डीजल के दाम हो गए। पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, कितना असर पड़ रहा है? असर तो बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। क्या लगता है अब क्या होगा, इतना महंगा कभी सोचा था इतना महंगा होगा? नहीं, सोच तो नहीं रहा था कि इतना महंगा होगा। आर्थिक स्थिति पे तो असर पड़ा ही होगा बहुत खूब। अब गैस भी ले रहे हैं तो लेने का उम्मीद नहीं है, लकड़ी काठी पर चलेगा काम। और तो अब इतना महंगा हो गया डीजल पेट्रोल, तो अब आगे क्या कैसे चलेंगे? अब आगे तो अब सरकार समझे ना कि कैसे चलाएं, हाँ, कि जनता किस तरह से हम अच्छा से रहें। तो आपको बता दें कि लगातार लोग काफ़ी परेशान हैं बढ़ती महंगाई को लेकर के। कभी सोचा नहीं था कि इतना महंगाई बढ़ जाएगा, कभी इतनी महंगी पेट्रोल और डीजल लेना पड़ेगा, लेकिन अब पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। फिर भी आप देख सकते हैं कि इतनी महंगाई में कैसे लोग चलेंगे, ये बहुत सोचने वाली बात है और सरकार पे कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल भी खड़ा हो रहा है। तो बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दामों में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है और इसे लेकर के आम जनता काफ़ी परेशान भी नज़र आ रही है। तो आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं कि बढ़ती पेट्रोल और डीजल के दाम पर उनका क्या मानना है। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुआ, सबसे महंगा अभी पेट्रोल और डीजल हो चुका है, कितना असर पड़ रहा है? देखिए, असर तो आम जनता पर पड़ेगा ही, लेकिन जीवन का उतार चढ़ाव है, हर जगह पेट्रोल बढ़ रहा है अभी वॉर के वजह से। इसमें आप श्रीलंका की स्थिति देख लीजिए, पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, तो बढ़ रहा है, ये बात में सच्चाई है। लेकिन उसके बावजूद जो भारत की कंडीशन है अभी भी बढ़ने के बावजूद, वो बहुत अच्छी है, सब लोग आराम से रह पा रहे हैं, और मुझे लगता है ये भाजपा गवर्नमेंट और मोदी जी के इससे ही ये सारी चीज़ें संभव है। बाकी जीवन का उतार चढ़ाव है, थोड़ा तो दिक्कतें होती हैं, फिर ठीक हो जाएंगे कुछ दिन में। शतक पार हो जाएगा, कभी लगा था शतक पार हो जाएगा? ये जब मैं आज से 5-10 साल पहले ऐसा सोचता था कि ऐसा हो सकता है, बट आज हो गया है। अब आप देखिए, यूके की भी प्राइसेस 106 रुपीज़ है आज, हर जगह प्राइस आज मुझे लगता है श्रीलंका में 200 से ऊपर है अगर इंडियन करेंसी में देखेंगे तो। तो ठीक है, अब इसमें बहुत सी बातें हैं, टैक्सेस है, ये है, वो है, वो सब, हम लोग उस लेवल पे बात नहीं कर सकते, बट ठीक है। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि बढ़ती पेट्रोल और डीजल के दाम पर उनका क्या मानना है। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है, क्या कहना है? मैम, कहना ये है कि देखिए, डायरेक्टली पेन है, नो डाउट पेन है, लेकिन इस पर आप किसी एक फैक्टर पर आप किसी को जज नहीं कर सकते कि भैया मोदी सरकार ने बढ़ा दिया या कांग्रेस ने बढ़ा दिया। ये कांग्रेस की सरकार होती तो भी बढ़ता, मोदी सरकार है तो भी बढ़ा है। पॉइंट ये है कि आप रेक्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं इसका। उसमें ये देखिए, पेट्रोल और डीजल का जो दाम है ना, ये डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं रहता है ये। तो आप भैया, आप बैरल का दाम वहाँ जब बढ़ता है तो यहाँ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपके हाथ में नहीं है ये।
पॉइंट ये है कि आपकी जो सरकार है वो कैसे इसको कवर करने की कोशिश कर रही है, तो मेरे को लगता है कि जैसा अभी तक परफॉर्मेंस रहा ये मतलब अभी मोदी सरकार फिलहाल जो कॉन्फिडेंट इनफ कि भैया वो कर रही है टैकल। अब देखिए आप ईवी को मिल रहा है बढ़ावा, ईवी अभी बहुत नेसेंट स्टेज पे है, लेकिन आने वाले समय में नो डाउट मेरे को लगता है कि ये जो अभी आज 9 रुपये बढ़ गया तेल आपका, तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय में देखिए ये रेक्टिफिकेशन तो होगा ही, आज हो 6 महीने बाद हो, वो हम लोग देखिए वो हमारा एरिया नहीं है उस पर कमेंट करना, लेकिन पेन है नो डाउट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सरकार फोर्स कर रही है कि आप जो इलेक्ट्रिक कार है या इलेक्ट्रिक बाइक है उस पर जाएँ, उसको यूज़ करें, लेकिन कहीं ना कहीं बिजली भी महंगी हो गई है, उस पर क्या कहें? मैम देखिए इलेक्ट्रिक आप एक पेट्रोल गाड़ी यूज़ कीजिए और आप एक ईवी यूज़ कीजिए, आप कब बोलेंगे कि ईवी बढ़िया है? जब आप कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना, कंपैरेटिवली ईवी बढ़िया है, ठीक है, लेकिन उस पर क्या है कि आपको ईवी बिजली महंगी हो रही है, लेकिन कंपैरिजन जब आप करते हैं ना, आपने क्यों बोला कि भैया यही कैमरा बढ़िया है, दूसरा कैमरा क्यों नहीं बढ़िया, कंपैरेटिवली ना, तो ईवी बहुत सस्ता है पेट्रोल के मुताबिक, लेकिन उसमें सरकार की भी बहुत सारी सब्सिडी है, लेकिन अभी भी कमर्शियल लेवल पर ईवी सक्सेसफुल नहीं है, कमर्शियल लेवल पर सक्सेसफुल नहीं है, डोमेस्टिक लेवल पर लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको भी अभी बहुत एक्सपेक्टेशन है। सरकार का ही इनकम का जरिया है पेट्रोल और डीजल? मैम इनकम का जरिया तो देखिए नहीं, इनकम का जरिया तो सरकार तो अब जो रोड है सब कुछ तो सरकार का ही है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तो सरकार को टैक्स जाता ही है, लेकिन ईवी को बढ़ावा देने का जहाँ तक है इन्वायरमेंट वाइज आप देखें और कंपैरेटिवली आप फाइनेंस पे देखें तो आपके पॉकेट पे भी ईवी बहुत हल्का है, नो डाउट, लेकिन अभी और आपको मतलब ईवी पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, अभी आपको उस पर सब्सिडी देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना है मेन तो, लेकिन फिर भी सही है। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने लोगों से बातचीत की, लोगों का भी यही मानना है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में भले ही बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कई इसके वजह हो सकती हैं कि क्यों बढ़ोतरी हो रही है, हर जगह बढ़ोतरी हो रही है, देश में बात कर ले विदेशों में भी पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन आम जनता पर इसका असर ज़रूर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ मैं रुचिका पटना।